नमस्कार, आप देख रहे हैं माय लॉर्ड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीते कुछ दिनों से 4000 परिवारों पर छत छीनने की लटक रही तलवार पर अब लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इस तरह से हजारों लोगों को 7 दिन के नोटिस पर कैसे हटाया जा सकता है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। मामला हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन का है। दरअसल गोला नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के साथ होते हुए बहती है, जहां रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई गफूर बस्ती के लोग गोला में अवैध खनन करते हैं, जिसकी वजह से रेल की पटरियों को और गोला पुल को खतरा है। रेलवे ने अपनी जमीन की स्थिति रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर 4,365 अतिक्रमणों की पहचान की गई है। बता दें, इस अतिक्रमण क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिदें, 4 मंदिर के साथ करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानें शामिल हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को अपने आदेश में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते का नोटिस देकर हटाने के आदेश दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए विवादित जमीन पर किसी तरह के निर्माण या विकास कार्य करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं। पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रेलवे इस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन जो लोग 60-70 साल से इस जमीन पर रह रहे हैं, उनके लिए पुनर्वास की जरूरत है। पहले अतिक्रमण को हटाने का आदेश और अब उस आदेश पर रोक, ये फैसला भले ही जल्दबाजी का हो, लेकिन 4000 परिवारों की किस्मत अब इसी फैसले पर टिकी है।